बाद बड़ी और अहम जानकारी के साथ मौजूदा वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर, निकिता हत्याकांड मामला। फरीदाबाद से बड़ी खबर, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को धमकी, पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको मौजूदा वक्त की बता रहे हैं, जान से मारने की धमकी हिंदू कार्यकर्ताओं को दी गई है। निकिता हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला। और आपको यह भी बता दें कि आज ही पीड़ित अनुजनी क्राइम सेल में शिकायत भी दी गई है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को धमकी मिली है। पीड़ित अनुज ने शिकायत दी है, पाकिस्तानी नंबर से उसको धमकी दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी गई है। निकिता हत्याकांड मामले में अनुज ने आवाज उठाई थी, लेकिन जिसके बाद उसको पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिली है। और ऐसी वैसी धमकी नहीं, जान से मारने की धमकी मिली है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं अनुज, जिनको जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी पाकिस्तानी नंबर से मिली है। बड़ी और अहम जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारी संवाददाता पूजा शर्मा जुड़ी है फरीदाबाद से। पूजा, क्या कुछ अपडेट है? जी पूजा, निकिता हत्याकांड के बाद ये लव जिहाद का मामला जो है, जिसने तूल पकड़ा है, उसे लेकर जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद पर सख्त कानून बने। तो ऐसे में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं अनुज, जिनको पाकिस्तान की नंबर सीरीज से धमकी भरे फोन आ रहे हैं, उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसमें न केवल उनसे अभद्र भाषा में धमकाया जा रहा है, बल्कि साथ साथ उनसे लव जिहाद और निकिता हत्याकांड के मुद्दों से दूर रहने की भी चेतावनी दी गई है। और ऐसा ना करने पर जो धमकी देने वाले हैं, उन्होंने अनुज और उनके पूरे परिवार को न केवल जान से मारने की धमकी दी है, बल्कि ये भी उनका कहना है कि जो उनके लोग हैं वो जो है AK-47 लेकर पूरे दिल्ली NCR में घूम रहे हैं, और उनकी नजर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अनुज पर है, और वो जल्दी ही अनुज को सबक सिखाएंगे। तो ऐसे में जो अनुज है, उन्होंने साइबर क्राइम सेल में अपनी शिकायत दे दी है, जिसमें नंबर जो है वो पाकिस्तान की सीरीज का मिला है। जो अनुज के एडवोकेट हैं राजकुमार शर्मा, उन्होंने भी इस मामले में बताया है कि जो भी कानूनी कार्यवाही की जरूरत होगी वे पीड़ित के साथ हैं, और ऐसे लोगों को सही जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे न्याय प्रक्रिया के जरिए। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। महकमे की तरफ से किसी बात की पुष्टि की गई है कि आखिरकार इन इस तमाम प्रकरण के पीछे किन लोगों का हाथ है, इस तरफ कोई इशारा? आज रविवार है और छुट्टी का दिन है, और सारा जो पुलिस प्रशासन है वो निकिता की शोक सभा शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो, इस कार्य में लगा हुआ था। तो अभी फिलहाल पुलिस अभी कोई आधिकारिक रूप से इस मामले में बयान नहीं दे रही है, लेकिन अब जो पुलिस के अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उनका यही कहना था कि वे मामले की जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो इस मामले में करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी जो है आश्वासन दिया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। पूजा शर्मा हमारी संवाददाता फरीदाबाद से जुड़ी हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अनुज को पाकिस्तानी नंबर से कॉल आता है, उसको धमकाया जाता है, और अनुज ने इनिशिएटिव लेते हुए साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। क्राइम ब्रांच के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है, और आश्वासन है कि जिसकी भी तरफ से ये गुस्ताखी की गई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई सुनिश्चित होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। हम जैसा कि हमें SHO सदर बल्लागौड़ ने बताया था कि आप वहाँ साइबर क्राइम के ऑफिस में चले जाओ, हम सेक्टर 30 गए हैं, अब वहाँ भी ACP क्राइम अनिल कुमार जी से मिले हैं, उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा भी लिया है। वैसे वो कह रहे थे चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, और उसके बाद लेकिन उन्होंने अपने एक एक्सपर्ट को बुला करके ये कॉल चेक कराई थी कि कॉल कहाँ से है, ऐसा ना हो ये इंडिया से ही किसी ने मजाक किया हो। तो उस बात को चेक करने के बाद एक्सपर्ट ने बताया कि ये पाकिस्तान की कॉल है और इस पर हम बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकते, और मैं तो ये रिपोर्ट बना के ही वापस भेज सकता हूँ। अच्छा। तो ऐसा उन्होंने हमें बताया।
मेरे पास परसों करीब 12:35 पे मुझे कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है, और करीबन 4:35 बात चलती है हमारी। तो वो बोलता है, फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, तो वो बोलता है कि भाई अनुज हिंदू बोल रहा है। मैं कहा, हाँ बोल रहा हूँ, बताओ। तो उसने कहा कि तुझे और तेरे परिवार को AK-47 से भून देंगे, और जो तेरा हिंदुत्व है ना, जो हिंदुत्व तू कर रहा है, तेरे हिंदुत्व को ना, और जब चाहेंगे जब तुझे मरवा देंगे। हमारे जो बंदे हैं वो पूरे दिल्ली में, और तेरी हर गतिविधि पर उनकी नज़र है।